हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मोनेरा फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। उसमें लास्ट में जो टॉपिक छूट गया था वो आज डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मोनेरा किंगडम में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मोनेरा का न्यूट्रिशन, दैट इज द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हमने कुछ टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियाज में ओनली थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट, दैट इज द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सम बैक्टीरियाज आर सिम्बायोटिक ऑल्सो। तो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपसे डिस्कस किए थे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें, बल्कि थोड़ा सा लास्ट टॉपिक लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि बैक्टीरियाज में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि बैक्टीरियाज मोस्ट डाइवर्स हैं, क्योंकि बैक्टीरिया दोनों टाइप के ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर फोटोसिंथेटिक, बट द फोटोसिंथेसिस दे परफॉर्म इज टोटली एऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनऑक्सीजेनिक मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स द बैक्टीरिया डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज द बैक्टीरियाज डू नॉट यूज वाटर एज अ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर, देयरफॉर बैक्टीरियाज डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब इस टाइप के जो न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेटिक, ये आपको किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता है। हायर प्लांट्स भी जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उसमें वाटर को एज अ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर यूज करते हैं। देयरफॉर जब भी कभी बैक्टीरियाज कोई भी हायर प्लांट्स अगर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनमें हमें बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन जरूर रिलीज होती हुई मिलती है। जो आपको बताया एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही वाइटल गैस है, तो इसीलिए क्योंकि बैक्टीरियाज कभी भी वाटर को यूज नहीं करेंगे एज अ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर, देयरफॉर बैक्टीरियाज परफॉर्म ए ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब ए ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले बैक्टीरियाज बहुत सारे हैं, जैसे कि पर्पल एंड ग्रीन सल्फर एंड नॉन सल्फर बैक्टीरियाज। इसमें मैं कुछ आपको बता देती हूँ, एक आध एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्लोरोनीमा, क्रोमैटियम, रोडोस्पाइरलम एंड थायोस्पाइरलम, ये आप कुछ बैक्टीरियाज के नाम याद कर लेना इफ पॉसिबल। क्लोरोनीमा एंड क्लोरोबियम क्रोमैटियम आप जरूर याद कर लेना, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट आपको थोड़ा सा हल्का सा वास्ट नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आपको मालूम है कि इस बार जो एग्जाम है एम्स एंड जिपमर एफएमसी तो पहले से ही मर्ज है, एम्स एंड जिपमर भी मर्ज कर दिया है, तो मे भी हो सकता है कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा एलाबोरेट चले जाए। तो आप कोशिश करना कि एटलीस्ट टू एग्जाम्पल्स आप याद कर लिए। थायोस्पाइरलम ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसकी वजह से बैक्टीरिया सबसे ज्यादा डाइवर्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है, देखिए बैक्टीरिया अगर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसमें दो चीजें आपको देखनी है। एक तो देखना है आपको द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दूसरा आपको देखना है इलेक्ट्रॉन एंड वाटर हाइड्रोजन डोनर। तो इन फोटोसिंथेसिस एज यू नो द नेम इंडिकेट द फोटोसिंथेसिस परफॉर्म द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है, सनलाइट की एनर्जी को। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है और सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज ही ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन करते हैं या उनको अलग अलग दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज होती है इस एनर्जी से ये अपना न्यूट्रिशन सिंथेसाइज करते हैं, तो इसीलिए बैक्टीरिया सबसे ज्यादा डाइवर्स हो गए, क्योंकि ये टाइप का न्यूट्रिशन आपको कहीं भी किसी भी दूसरे किंगडम में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में परफॉर्म नहीं करता है। ओनली एंड ओनली बैक्टीरियाज परफॉर्म कीमोसिंथेसिस। तो कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के आपने नाम पढ़े होंगे, जैसे कि आपने नाइट्रोजन साइकिल में कुछ बैक्टीरियाज पढ़े हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड थायोबैसिलस। ये आपने नाइट्रिफाइंग रिएक्शन
एंड डीनाइट्रिफाइंग रिएक्शंस पढ़ी होंगी नाइट्रोजन साइकिल में. नाइट्रिफाइंग रिएक्शन जिसमें अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स में, उसमें नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस पार्टिसिपेट करते हैं. इसके अलावा डीनाइट्रिफाइंग रिएक्शन जिसमें सॉइल में जो नाइट्रेट प्रेजेंट होती है उसको वापस फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है और रिलीज कर दिया जाता है एयर में फ्री नाइट्रोजन की फॉर्म में. तो ये जो बैक्टीरिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है क्लास 11th का, उसमें जो प्लांट फिजियोलॉजी में सेकंड चैप्टर है उसमें भी दे रखा है कि जो भी नाइट्रिफाइंग एंड डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज हैं दीज आर कीमो ऑटोट्रॉप्स. तो कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब है केमिकल एनर्जी को एज अ सोर्स, केमिकल्स के ब्रेकडाउन से या फिर कन्वर्जन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके बैक्टीरियाज अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. तो दिस इज द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज प्रेजेंट एंड शोन बाय ओनली बैक्टीरिया. तो दिस इज फर्स्ट, मैंने आपको फिजियोलॉजी आपसे डिस्कस कर ली वंस अगेन, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरियाज. वंस अगेन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच बैक्टीरियाज डिराइव देयर न्यूट्रिशन और फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज और एनिमल लाइक न्यूट्रिशन यू कैन से दैट इज पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक. नेक्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस. बट याद रखना एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, द बैक्टीरियाज परफॉर्म ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस इन विच केमिकल एनर्जी और केमिकल रिलीज एनर्जी इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर फूड. नेक्स्ट वन इज देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियाज. अच्छा, एज यू नो आपने बैक्टीरियाज में रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, क्योंकि आप आई थिंक 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. तो रिप्रोडक्शन का एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों यहाँ पे परफॉर्म होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यू नो जिसमें कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की जनरली रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कोई भी जीनोम का एक्सचेंज नहीं होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं आती है, इसीलिए जो भी नए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो डिट्टो कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स के एंड आपस में भी सिमिलर होते हैं, जिनको आप क्लोन्स कहते हैं, क्लोन्स ऑफ ईच अदर एज वेल एज देयर पेरेंट्स. तो बैक्टीरियाज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन मेथड है बाइनरी फिजन. Binary fission, as the name represent, binary. Bi means two. Fission means breakdown. जिसमें एक बैक्टीरिया सिंपली क्या होता है कि एक बैक्टीरिया पेरेंट अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है और अपने साइज को इंक्रीज करता है. इसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करने के बाद दो ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएगा, इसका साइज एनलार्ज होगा, ठीक है, और इसके बीच में बीजोसोम्स की मदद से एक सेल प्लेट डेवलप होती है एंड देन उसके अंदर दोनों साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप होगी. फिर फर्दर ये बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा टू डॉटर सेल्स में. तो दिस इज अ मेथड ऑफ बाइनरी फिजन. मैंने आपको शॉर्ट में एक ओवरव्यू बता दिया इसका, वरना ये मेथड थोड़ा सा डिटेल है, बट क्योंकि क्रैश कोर्स में आप इतना ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसको पूरा डिटेल डिस्कस करें, तो मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रही हूँ. तो दिस इज बाइनरी फिजन. एंड एक चीज याद रखना आप, इसका बाइनरी फिजन भी थोड़ा सा स्पेसिफिक है, क्योंकि यहाँ पे जो बाइनरी फिजन होता है दैट इज ए माइटोटिक बाइनरी फिजन means the bacteria perform binary fission without making spindle fiber, without performing total karyokinesis as in the mitotic division. तो क्योंकि यहाँ पे genetic material कभी भी chromosome की form में नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का ये काम कभी नहीं होगा कि वो इसके जेनेटिक मटेरियल को ऑपोजिट पोल्स की तरफ कैरी करके ले जाए. इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और इसलिए माइक्रोट्यूबुल्स वगैरह यहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं. यहाँ पे आपको जो जेनेटिक जो भी पूरा डिविजन मिलेगा दैट इज ए माइटोटिक. इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेल डिविजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. Now this is a asexual method of reproduction in bacteria. Next one is a sexual reproduction. देखिए बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है और आपको मालूम है, आपको थोड़ा सा आइडिया इतना होगा कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डोमिनेटिंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग गैमिट्स आपस में फ्यूज करेंगे, जनरली पार्थिनोजेनेसिस को अगर जो हम छोड़ दे तो दो अलग अलग गैमिट्स आपस में फ्यूज करेंगे. इन गैमिट्स के फ्यूज करने से दो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मटेरियल सामने आते हैं. इसके अलावा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो
मियोटिक डिवीजन को फॉलो करता है. तो मियोटिक डिवीजन में भी क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन परफॉर्म होती है. तो नेक्स्ट जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो अपने पेरेंट्स से डिसिमिलर होंगी. काफी चीजों में आपको डिसिमिलर मिलेंगी. किस तरीके से वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन आर द सोर्स ऑफ इवोल्यूशन. अगर जो वेरिएशन नहीं आएंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा. इसीलिए हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बढ़िया मेथड है. अगर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज इवॉल्व नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनमें वेरिएशंस नहीं होंगे. तो बैक्टीरिया में आप देखिए, बैक्टीरिया में वैसे जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा नहीं जाता है. तो बैक्टीरिया ने क्या करा है, बैक्टीरिया भी नेचर का एक बहुत बढ़िया लिविंग ऑर्गेनिज्म है. बैक्टीरिया क्या करता है, अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के डिफरेंट मेथड्स डेवलप कर लेता है, और उसी को हम उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे. बैक्टीरिया में जो आपके एनसीईआरटी में सेक्सुअल मेथड दे रखा है रिप्रोडक्शन का, दैट इज कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन सिंपली मीन्स द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया. इसमें डायग्राम भी दे रखा है आपके एनसीईआरटी में. इसमें क्या होता है, देखिए एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ में कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन ट्यूब. कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल की कॉपी दूसरे बैक्टीरिया को सेंड कर देता है. इस कारण से दो बैक्टीरिया के बीच में जो एक्सचेंज हुआ या ट्रांसफर हुआ जेनेटिक मटेरियल का, तो नया जो बैक्टीरिया आएगा इसमें थोड़ा सा आपको जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा. पहले के मुकाबले थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल बढ़ गया, और इसी को हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं. हालांकि ये टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जनरली हम ये बोलते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरीके से चेंज होता है, और इस तरीके से नया जेनेटिक मटेरियल आता है कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तीसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी फॉर्मेशन करता है. बट यहाँ आप देख रहे हैं कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने आपस में ही जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर किया या फिर एक्सचेंज किया. इसीलिए आप देखिए ये टोटल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा नहीं है जैसे आपने हायर एनिमल्स में पढ़ा है जो गैमीट्स के थ्रू होने वाला मेथड होता है. बट ये सिंपली एक ऐसा मेथड बैक्टीरिया ने डेवलप कर रखा है जिसके थ्रू वो अपना जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता है, या हम कह सकते हैं मॉडिफाई कर सकता है. दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ हमने ये फिजियोलॉजी देख ली. अब आपके एनसीईआरटी में एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया और बता रखे हैं यू बैक्टीरिया के अंडर, दैट इज साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोबैक्टीरिया दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. शॉर्ट में हम इसको बीजीए लिख लेते हैं. साइनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरियाज यूनिसेल्यूलर भी होते हैं. दे कैन बी मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस एंड दे कैन बी मल्टी सेल्यूलर कॉलोनियल ऑल्सो. अगर जो साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट है डिफरेंट सेल्स, तो इन सेल्स के ऊपर आपको एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग मिलेगी जो इन सारे सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है. म्यूसिलेजिनस और जिलेटिनस कवरिंग और लेयर, जो इन सारे कॉलोनीज के जितने भी सिंगल सिंगल बैक्टीरियाज हैं उन सबको आपस में असेंबल करके रखेगी. साइनोबैक्टीरिया की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कुछ पिगमेंट ऐसे होते हैं जो आपको हर प्लांट्स में मिलते हैं. जैसे कि इसमें एक पिगमेंट मिलता है आपको क्लोरोफिल ए, इट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट एंड द मोस्ट डोमिनेंट पिगमेंट ऑफ लाइट रिएक्शन. ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके आपको मालूम है लाइट रिएक्शन परफॉर्म करता है. तो ये वाला जो पिगमेंट है इसमें, इस पिगमेंट के कारण बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे जिसके कारण, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वाटर को एज अ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन डोनर यूज कर रहे हैं. हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर यूज कर रहे हैं. इस कारण से अगर जो बैक्टीरियाज, ये बैक्टीरियाज फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो इनकी फोटोसिंथेसिस से जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है दैट इज फ्री ऑक्सीजन. अब देखिए
हमारी अर्थ में जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था तो उस टाइम पे हमारी अर्थ में फ्री ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी, वो वाटर के साथ में मिक्स थी या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में या डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में आप कह सकते हैं मिक्स थी। जब हमारी अर्थ में साइनोबैक्टीरिया आया तो साइनोबैक्टीरिया ने सबसे पहले ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना शुरू किया और इसके बाद हमारी अर्थ में फ्री ऑक्सीजन रिलीज हुई। हम ये कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के ओरिजिन के बाद ही हमारी अर्थ में इवोल्यूशन हुआ एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन या एरोबिकली रेस्पायरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये देखिए साइनोबैक्टीरिया इवोल्यूशनरी सेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आप इनको कह सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल आपने ऐसे भी पढ़े होंगे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपने नॉस्टॉक एक सुना होगा, नॉस्टॉक एनाबीना, इसके अलावा आपने बिजरमिका पढ़ा होगा। ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया जनरली आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हुए मिल जाएंगे और ये वाला बैक्टीरिया जो होता है ये फ्री लिविंग सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जैसे एजोटोबैक्टर भी आपको फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर मिल जाएगा। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करता है। मतलब नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, सॉरी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। अब इस एंजाइम को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए जो भी ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें भी ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल डेवलप कर लेते हैं, दैट इज द थिक वॉल्ड सेल्स, एंड दीज सेल्स आर नोन एज हेटरोसिस्ट। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ये हेटरोसिस्ट का डायग्राम भी आपकी एनसीईआरटी में कॉलोनियल बैक्टीरिया के डायग्राम के साथ में कर रखा है। हेटरोसिस्ट थिक वॉल्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि वो बाहर से किसी भी ऑक्सीजन की एंट्री को रोकते हैं कि कहीं भी बाहर से ऑक्सीजन उनके अंदर एंटर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रोजिनेज एंजाइम परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ एयर इंटू अमोनिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इन द एनारोबिक कंडीशन। तो ये कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए हेटरोसिस्ट के ऊपर थिक वॉल होती है। एक और अडेप्टेशन होती है हेटरोसिस्ट में, दैट इज द एब्सेंस ऑफ फोटोसिस्टम टू। फोटोसिस्टम टू इनके पास नहीं होगा। फोटोसिस्टम टू इनके पास इसलिए नहीं होता है क्योंकि फोटोसिस्टम टू में वाटर का डिसोसिएशन होता है, वहीं प्री ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो देयरफॉर दे लैक फोटोसिस्टम टू। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको। अब नाउ ये मैंने आपको बता दिया ब्लू ग्रीन एल्गी की प्रॉपर्टीज। ब्लू ग्रीन एल्गी बताया आपको इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी में ग्रीन पिगमेंट एक प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, दैट इज सिमिलर टू द हायर प्लांट पिगमेंट। इट परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस एज दे यूज वाटर एज अ डोनर ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर यूनिसेल्युलर बट सम फिलामेंटस एंड कॉलोनियल फॉर्म्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। द कॉलोनियल फॉर्म कंसिस्ट ऑफ म्यूसिलेजिनस और जिलेटिनस शीट अराउंड द डिफरेंट सेल्स। द डिफरेंट सेल्स इन बिटवीन द डिफरेंट सेल देयर इज अ हेटरोसिस्ट विच कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल एंड नाइट्रोजिनेज एंजाइम विच परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इंटू अमोनिया, NH3, N2 का NH3 में कन्वर्जन जो होता है उसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे, और वो परफॉर्म करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम इनसाइड द हेटरोसिस्ट। नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया कि कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं सॉइल में, जैसे एजोटोबैक्टर वेजरनिका। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन फिक्सर ऐसे भी होते हैं जो सिम्बायोसिस करके भी N2 फिक्सेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे इनकी ये भी प्रॉपर्टी होती है कि फ्री लिविंग ही सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, जैसे नॉस्टॉक एंड एनाबीना। अब साइनोबैक्टीरिया की एक और प्रॉपर्टी होती है, कुछ साइनोबैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं एनाबीना, फ्लॉस एक्वे, माइक्रोसिस्टिस, राइबुलेरिया एंड ऑसिलेटोरिया। ये तीन चार बता रही हूं मैं आपको, माइक्रोसिस्टिस, ऑसिलेटोरिया, राइबुलेरिया एंड एनाबीना, फ्लॉस एक्वे, एनाबीना, फ्लॉस एक्वे। दीज बैक्टीरियाज
अगर जो पानी मान लीजिए स्टेगनेंट वाटर है कहीं पे, और स्टेगनेंट वाटर में मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा हाई न्यूट्रिशियस है, मतलब वो पानी जो है हाईली न्यूट्रिशियस है स्टेगनेंट वाटर, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये सोर्स के फॉर्म में वहां पे पहुंच जाते हैं, इधर उधर से कहीं से भी बाय एयर बैक्टीरिया वहां पे आ गया। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस सॉइल में बहुत, उस वाटर में बहुत तेजी से डिवाइड एंड रीडिवाइड करते हैं। इनके डिविजन से पानी के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है और उसी को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, दैट इज अ टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो, एल्गल ब्लूम। ये आपका एनवायरमेंटल इश्यूज वाला जो चैप्टर है उसमें भी देखा है, ये एल्गल ब्लूम वाला थोड़ा सा उसमें डिस्कस कर रखा है। एल्गल ब्लूम ये टाइप के बैक्टीरिया करते हैं, और भी कई बैक्टीरिया हैं, मैंने आपको मेनली ये चार आप याद कर लेना, माइक्रोसिस्टिस, ऑस्टरोडिया, रेगुलेरिया, एनाविना, फ्लॉस, एक्वे, ये एल्गल ब्लूम कॉज करेंगे। इसके साथ साथ जब ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं पानी में तो ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है उसमें रहने वाले जितने भी एक्वाटिक लाइफ है, फौना जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उनकी डेथ भी हो सकती है। अच्छा, अगर जो ये एल्गल ब्लूम ऐसे पानी में हो रहा है जहां पे मॉस्किटो के लार्वा आपको मिल रहे हैं, तो फिर तो ये इट इज अ गुड पॉइंट, इट इज अ गुड मेथोडोलॉजी टू कंट्रोल द मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, क्योंकि ये मॉस्किटो के लार्वा को भी किल कर देगा। और दूसरा, एक टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज करने के अलावा ये ऐसा भी करते हैं, क्योंकि ये पानी में डिवाइड एंड रीडिवाइड कर रहे हैं तेजी से। अच्छा, आप कहेंगे कि ये फोटोसिंथेटिक फॉर्म है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के साथ साथ जब कोई सेल फोटोसिंथेसिस करती हैं तो उनको अपने लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। उस ऑक्सीजन का वो क्या करेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी वो सेल्स परफॉर्म करती हैं अपने लिए एटीपी बनाने के लिए। तो जब ये सेल्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रही है तो पानी की जितनी ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज कर लेंगे, मतलब दे ऑल्सो कॉज ऑक्सीजन डिप्लीशन इन वाटर, देयरफॉर दे शो लार्विसाइडल प्रॉपर्टी एज वेल एज ये क्या करते हैं, जितने भी पानी में फौना है उनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं, वहां के हम ये कह सकते हैं कि जो फूड चेन है वाटर की वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए इसको आप एक टाइप ऑफ पॉल्यूशन भी में भी रखेंगे, दैट इज एल्गल ब्लूम। इसमें एक एक्स्ट्रा बता देती हूँ मैं आपको, साइनोबैक्टीरिया वैसे कंप्लीट हो चुका है, साइनोबैक्टीरिया में एक पॉइंट आप याद रख लेना, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम हो सकता है एग्जाम में आ जाए, दैट इज अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ रेड सी बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ पिगमेंट इन द डोमिनेटिंग अमाउंट दैट इज आर फाइको इराथ्रिन। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख लेना, साइनोबैक्टीरिया हो गया। अब बैक्टीरियाज में आपकी एनसीईआरटी में एक और टाइप के बैक्टीरिया को थोड़ा सा डिस्कस कर रखा है, उसको भी देख लेते हैं, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ये हो गए आपके बैक्टीरियाज ऑलमोस्ट कंप्लीट। यू बैक्टीरिया का लास्ट टाइप मैं आपको बता देती हूं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा इनको एक टाइटल मिल रखा है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज दे आर ऑल्सो नोन एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब क्या हुआ, ठीक है, पहले बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में रखा हुआ था, सेपरेट नहीं किया था बैक्टीरिया को, तो इसलिए प्लांट किंगडम हम बोल रहे हैं। माइकोप्लाज्मा की जब डिस्कवरी हुई थी तो इसे एक नाम दिया था पीपीएलओ, प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। इनकी डिस्कवरी हुई थी कैटल में रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही थी, प्लूरल फ्लूड में इंफेक्शन और प्लूरल जो लेयर है उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा था, तो साइंटिस्ट ने उनका प्लूरल फ्लूड निकाला, इजेक्ट किया बाहर, और उसके बाद ऑब्जर्व किया कि उसमें कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट है। अब पहले उन्होंने इसको बोल दिया वायरसेस, कुछ ने बोला बैक्टीरिया, फिर अलग 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 assumption देने लग गए, लेकिन इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया से मिलती हैं, इसीलिए इनको हमने बैक्टीरिया किंगडम में रखा है, मोनेरा किंगडम में रखा है। माइकोप्लाज्मा में एक चीज होती है जो इनको बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट कर देती है, वो है टोटल एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, द सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट।
सलमोल टोटली एबसेंट होती है, इसलिए आप इसको बैक्टीरिया, नेकेड बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर कोटिंग नहीं है, सभी आप इनको बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें पहले इनको प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया गया, बाद में इनका नाम चेंज कर दिया गया माइकोप्लाज्मा। अच्छा, क्योंकि इनके ऊपर सेलवॉल नहीं है तो ये अपना शेप चेंज करते रहते हैं, ठीक है, और इसीलिए हम इसे प्लियोमॉर्फिक भी बोलते हैं, और कंटिन्यूअसली शेप चेंज करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम जोकर्स से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें नाम दे दिया जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब क्या है? फैकल्टेटिव एनारोबिक, जैसा आपको मालूम होगा, आपने दो टर्म सुनी होंगी, एक सुना होगा आपने ऑब्लिगेटरी और दूसरा सुना होगा आपने फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, वही मोड रहेगा, एंड फैकल्टेटिव का मतलब होता है पार्शियली, मतलब इफ द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन दे परफॉर्म एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, बट इफ द ऑक्सीजन इज एब्सेंट देन दे परफॉर्म एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मींस दे कैन सर्वाइव इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ आपको, माइकोप्लाज्मा का लास्ट पॉइंट है, फिर मोनेरा किंगडम खत्म कर रहे हैं हम। माइकोप्लाज्मा के बारे में एक चीज आप सुनेंगे तो दैट इज डिफरेंट। देखिए, हमें मालूम है, आपको मालूम है कि हम मैक्सिमम बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से कंट्रोल करते हैं, मतलब बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन होता है तो आप एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं, डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक प्रेफर कर देते हैं। एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करता है। अलग अलग एंटीबायोटिक के फंक्शन करने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको शॉर्ट एक बता देती हूँ कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी डिस्कवरी एज अ वंडर ड्रग आपने सुना होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सेरेंडिपिटी से या चांस डिस्कवरी आप कह सकते हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई थी। तो पेनिसिलिन क्या करता है? पेनिसिलिन के वर्क करने का तरीका यह है कि पेनिसिलिन सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन को रोक देता है। अब अगर जो सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी और इसीलिए बैक्टीरिया की ग्रोथ सप्रेस हो जाती है। तो पेनिसिलिन से इस तरीके से हम बैक्टीरिया के होने वाले डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं। माइकोप्लाज्मा आप कह सकते हैं नेचुरली रेजिस्टिव है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए। माइकोप्लाज्मा को हम कभी भी, माइकोप्लाज्मा से अगर जो कोई डिजीज हो रही है तो उसको हम कभी भी पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास सेल वॉल ही नहीं है, और पेनिसिलिन क्या करता है? नैम एंड पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन को रोकता है, इस तरीके से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है। अगर जो बैक्टीरिया में सेल वॉल है ही नहीं तो उसकी जो ग्रोथ है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप सप्रेस कर सकते हैं? तो देयरफॉर माइकोप्लाज्मा आर नेचुरली रेजिस्टिव टू एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो हम कौन से एंटीबायोटिक को यूज करें जिससे हम माइकोप्लाज्मा से होने वाले डिजीजेस को कंट्रोल करें? वी हैव टू यूज सम एंटीबायोटिक लाइक क्लोरोक्विनीन, टेट्रासाइक्लिन, ये टाइप के एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन। दूसरा एंटीबायोटिक आप यूज करिए जो मेटाबॉलिज को कंट्रोल करके या मेटाबॉलिज को स्टॉप करके बैक्टीरिया को डिवाइड न करने दे, आप ऐसे एंटीबायोटिक यूज करिए। आपको कभी भी पेनिसिलिन यूज नहीं करना है, कोई इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया। साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट हो गया हमारा, दिस इज मोनेरा किंगडम कंप्लीटेड। अब क्रैश कोर्स है तो इसमें हम बेसिक बेसिक पॉइंट ही हमें डिस्कस करना है। मैक्सिमम पॉइंट्स एंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी मैंने आपको मोनेरा किंगडम में डिस्कस कर लिए हैं। एक आध चीजें मैंने आपको और एग्जाम्पल्स आपको कुछ एक्स्ट्रा बताए हैं, वो आप याद कर लेना। एक और चीज आप सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस अर्थ विद अ साइज ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर। ओके क्लास, तो ये मोनेरा किंगडम कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे। ओके okay?